परचेज पर बोलते थे, जब बीड़ी का एक एक दाना परचेज हो गया तो अब कहते हैं उसमें दूसरे में धान लिया। मैं तो कहता हूँ हमारी तो फिजिकल वेरिफिकेशन चल रही है, कहीं आपको लगता है कि कहीं और धांधली है तो आप उसके सबूत दे दो, हम तो उसको भी चेक करवा लें। मगर केवल मात्र अखबारों में सुर्खियां बटोरने के लिए बेतथ्य आरोप लगाना, ये साबित कर देता है कि आज उन लोगों का जो ग्राउंड है दिन प्रतिदिन खिसकता जा रहा है। और 11 महकमे आपके पास हैं, एक्साइज का एक महकमा है जिसमें जिसको लेकर के लोग कह रहे हैं कि अब तो ये महकमा दुष्यंत चौटाला के पास है, तो गांव से ठेका हटाने की बात की गई। गांव में ठेका हटाने का काम एक्साइज का नहीं है, ये पंचायत डिपार्टमेंट का है और उसके लिए पंचायत एक्ट में जो हमने वादा किया था संशोधन हम लेकर आ रहे हैं। कल जब संविधान दिवस बनाएंगे तो आप देखें एक नया इतिहास हरियाणा रचेगा, तो शायद एक मॉडल के तौर पर पूरे देश में फॉलो हो। हम तो अधिकार देंगे 10% वोटर्स को कि आपको फिर ना तो सरपंच से परमिशन लेने की जरूरत है। ग्राम सभा 10% वोटर्स हैं, 10% वोटर्स ये लिखित तौर पर देते हैं कि हमारे गांव में एक्साइज डिपार्टमेंट कोई भी लिकर शॉप ना खोले तो उस गांव को हम लिकर मुक्त करें। और क्या प्राथमिकता रहने वाली है अगर बात की जाए आप जिस प्रकार से आगे आप सरकार चलानी है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की एक बात आपने कही थी उसको लेकर के कुछ स्टेप्स भी उठाए गए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा विपक्षी पूछ रहे हैं उसमें पेंशन देने की बात की गई थी, दुष्यंत चौटाला कब 5,000 पेंशन कर रहे हैं? कौन कह रहा है कि बढ़ाएंगे नहीं, उनको बोलो इंतज़ार तो करो, अभी तो घर बसा नहीं है और विपक्ष में बैठे लोग उस घर में कमियाँ ढूंढने लगे। आज तो सरकार बने 30 दिन भी नहीं और इसके अंदर भी इनसिक्योरिटी जो इन लोगों के मुंह पे दिखती है कि चाहे वो एचटेट को 50 किलोमीटर के अंदर लाना हो, चाहे वो शराब के ठेके हटाने वाली बात हो, हम तो ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लेकर आएंगे जैसे लेजिस्लेटिव बिजनेस पार्लियामेंट में और विधानसभा में चलता है। हम तो चाहते हैं जिला परिषद में और पंचायत समिति में भी उतने अधिकार पहुँचे। एचटेट खत्म करने की भी बात आपने पहले बिल्कुल करी थी और आज इंडिपेंडेंस कोई एक पार्टी के पास नहीं, एक सरकार गठबंधन की है। हमारा तो सबसे पहला काम था एग्जामिनेशन क्लोज, क्या हमने वो अचीव कर दिखाया। आगे फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में देखते हैं कि एचटेट को हम किस तरीके से हटा पाएंगे। पिछले 7 सालों में जिन बच्चों ने एचटेट दिया है आज तक कोई भर्ती नहीं हुई, फिर इस एग्जामिनेशन का फ़ायदा किसको मिलता है, इन तमाम विषयों पर चर्चाएँ करी जाएंगी और गंभीरता के साथ एक एक विषय पर जो हमारी कमेटी अनिरुद्ध जी के नेतृत्व के अंदर है जिसमें अनूप मंत्री जी हैं और 3 पूर्व विधायक, ये 5ों बैठकर जो फास्ट ट्रैक मिलने होगा वो एक एक चीज़ पर लेकर उसको प्रोग्राम पर लाएंगे। जो पेंशन की वो आपने बात की बुढ़ापा पेंशन की, बीजेपी की तरह किस्तों में मिलेगी या एक मुश्त आप मिलेगी जब भी मिलेगी? मैं तो बता रहा हूँ कोई अधिकार अकेले जेजेपी के नहीं है, एक अलायंस है, अलायंस के अंदर हमें हर चीज़ देखनी पड़ेगी, कोई उनके पॉलिसी के एजेंडा की चीज़ें हैं उसको भी हम साथ लेकर चले। मगर ये विश्वास दिलाता हूँ ना तो 3100 होगी, उससे ज़्यादा करके दिखाएंगे और जैसे भी होगी हरियाणा के बुजुर्गों के सम्मान को पूरी तौर पर रखेंगे। पूरा 5 वर्ष लगेंगे, कितना समय उसके लिए मिनिमम? आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मैं मिनिमम समय की बात कर रहा हूँ पेंशन को लेकर। मैं ये अधिकार तो हरियाणा न्यूज़ को नहीं दे सकता कि वो तय करे कि बुजुर्ग पेंशन कब बढ़ेगी, तो सरकार का और सरकार के खजाने पर निर्भर करता है। अगर हम हरियाणा के अंदर GST रिकवरी ज़्यादा कर देंगे, जो चोरियां हुई है उनको रोक पाएंगे, जो लोग कहीं ना कहीं टैक्स नहीं भरते थे वो स्टेट रेवेन्यू के अंदर टैक्स देंगे, पैसा सरप्लस होगा तो क्या पता अगले साल ही कर देंगे। आपके और अनिल विज के जो संबंध या फिर जो बयान थे सरकार बनने से पहले काफ़ी अलग नज़र आते थे, इसको लेकर के मुकदमेबाजी भी चल रही है, अभी सब चीज़ें सेटल हो जाएंगी? वो बात जो उनने कही थी वह आज भी अटल, उनने बड़ी ऐसी बात कही थी जिसका ना तो तथ्य था, मैं आज भी उस पर खड़ा हूँ। महाराज वो मेरे सहयोगी हैं, मेरे कलीग हैं, नेक्स्ट टू मी मिनिस्टर हैं और यहाँ हरियाणा सरकार चलाने की बात है, मिलकर अच्छे तरीके से उसको चलाएंगे। उस मुद्दे पर अभी कोई सुना नहीं है? किस मुद्दे? जो मुकदमा जो चल रहा है इसको लेकर के कोर्ट की बात है, फरवरी की डेट है, फरवरी में देखें। बहुत बहुत